बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा आ, इसमें कोई शक नहीं हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक जो है वो ना सिर्फ दांतों और मुंह की सफ़ाई करती है बल्कि उससे नज़र भी बेहतर होती है अच्छा। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब साइंस ने इस पर रिसर्च की तो नाइन्टी परसेंट मसवाक में एक एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया वो था टैनिक एसिड आजकल की जो टूथपेस्ट हैं जिसमें एंटी ब्लीडिंग या जिन के लिए जो टूथपेस्ट बनाई जाती है उसमें मेन जो कंटेंट है वो ट्रेनिक एसिड है, है जो टैनिक एसिड से बनता है जी जी। तो मिसवाक में अल्लाह ताला ने नेचुरली ये चीज रखी है, है। तो मिसवाक से सफाई बेहतरीन एक जरिया है आपका सवाल ये, तो ये है कि क्या टूथपेस्ट भी तो मेरा जवाब उसमें यह है कि टूथपेस्ट को आप मिसवाक पे लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो टूथपेस्ट में होते हैं जैसे आ, जो है उसमें आ, आपका बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट है पोटाशियम नाइट्रेट है ये ऐसे एलिमेंट हैं जो के डाले जाते हैं दांतों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और मुख्तलिफ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जिसमें आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है आपकी ब्लीडिंग गम्स हैं उसमें आ, टैनिक एसिड या ट्रेनिसमिक एसड के साथ साथ ये चीज़ें भी जाई जाती हैं तो मेरा मशवरा ये है कि जो लोग मिसवाक यूज़ करते हैं वो टूथ तो पेस्ट को मिसवाक पर लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे ठीक है। अब जो इस सवाल का ीली हिस्सा है वो ये है कि क्या ब्रश या मिसवाक से मुकम्मल दांतों की सफ़ाई मुमकिन है या नहीं है।, है क्योंकि जो हमारे पुस्टीरियर तीत हैं जो मोलर्स हैं है। उनकी कुछ ऐसी सर्विस सर्फिस हैं जहाँ तक एक मसवाक जो कि एक स्ट्रेट फॉर्म में होती है उसका कई दफा पूरी तरह वहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, है या उसकी वो एफिकेसी नहीं है सफाई करने में उसके लिए हमारे पास ब्रशेस हैं कॉन्ट्रैंगल है। उसमें हमारे पास उसके अंदर जो ब्रिस्टल्स लगे हुए हैं उनकी शेप उन उनकी टेक्सचर प्लस उनके अंदर एक ऐसे फाइबर्स को उन्होंने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के साथ रखा हुआ है जो है? कि मुख्तलिफ दांतों की स्पेशली पुस्टीरियर मोलर्स की पुस्टीरियर और एंटीरियर और मिडल सर्फिस को वो अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं ठीक